में आपको दिखाएंगे 2029 के लिए दांव, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर आज मोदी सरकार एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही बात करेंगे मठाधीश की लड़ाई औरंगजेब पर आई, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे सीएम योगी ने अखिलेश के एक एक बयान पर करारा जवाब दिया है। कोई बात होगी अखिलेश का चैलेंज, रवि किशन का जवाब, क्योंकि अखिलेश यादव ने आधे घंटे में 600 पुतले फूंकने की बात कही थी। साथ ही बात करेंगे बयानों पर बवंडर, बिट्टू वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान पर अब संग्राम छिड़ चुका है। और आखिर में दिखाएंगे बारूदी पेजर, घंटी बजते ही धमाका, लेकिन सबसे पहले बात एक देश एक चुनाव। तो बात पीएम मोदी के प्लान एक देश एक चुनाव की, देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने के प्रस्ताव, एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। उससे पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं, और इसको लेकर आज मोदी सरकार एक आगे कदम बढ़ चुकी है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। सरकार को अब संसद के दोनों सदन में बिल लाना होगा और संसद के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। लोकसभा में 362, राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। वहीं कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन जरूरी है। और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून की शक्ल ले लेगा और देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव संभव हो पाएंगे। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार का तीसरा टर्म 100 दिन बाद उस इम्तिहान को पास करने वाली है जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मोदी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाया जा सके, और इसकी नींव आज पड़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है, यानी एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेस में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, दूसरे फेस में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस इसके खिलाफ है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हों। भारतीय जनता पार्टी पिछले
10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, कुछ समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। अब ऐसे में जब संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष के कुछ दल भी आमने सामने होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन पर दो फाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी की सियासत में मठाधीश के बाद औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है और साथ ही दो लड़कों की जोड़ी पर उन्होंने करारा वार भी किया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था, माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता। इस पर सीएम योगी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो माफिया के आगे नाक रगड़ते थे। अपने बयान में फंसने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने साधु संतों को माफिया नहीं कहा, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि ये लोग तो धर्माचार्यों को भी माफिया बोलते हैं, इन्होंने साधु संतों का अपमान किया। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ये तक कह दिया कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मठ मठाधीश और माफिया के बाद यूपी की सियासत में भस्मासुर औरंगजेब और अराजकता का आगाज हो चुका है। सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, जुबानी हमले हो रहे हैं और एक दूसरे के निशाने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। और माफिया के साथ इनके रिश्ते, अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं, इनकी प्रवृत्ति तो देखो। अखिलेश ने जैसे ही मठाधीश की तुलना माफिया से की, सीएम योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, गुंडागर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने दुर्दांत, तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं, इनकी प्रवृत्ति तो देखो। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस विवाद को जन्म दिया, कांग्रेस ने जिसका समर्थन किया, सीएम योगी उसका चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं और उपचुनाव से पहले सियासी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। पहले 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, बहन और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। सीएम योगी भले ही गाजियाबाद में थे, लेकिन उन्होंने उन सभी 10 सीटों तक संदेश दिया जहां उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी के औरंगजेब और भस्मासुर वाले बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये जो इंडी गठबंधन उर्फ घमंडिया गठबंधन है, ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये सनातन विरोधी गठबंधन है, ये साधु संतों का अपमान करने वाला गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण का हक खा लिया, जो गुंडे और माफियाओं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के माफिया के आगे नाक रगड़ने का काम किया, लोकसभा चुनाव में माफियाओं से समर्थन लिया, माफियाओं से चंदा लिया, माफियाओं को सुरक्षा दिया, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत। यानी पहले अखिलेश ने मठाधीश की तुलना माफिया से की, तो अब सीएम योगी ने कह दिया समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। इसका मतलब ये कि यूपी के सियासी संग्राम में जुबानी हमले और तीखे और तल्ख होने वाले हैं।
क्योंकि ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वही अखिलेश यादव के दो और बयान हैं जो काफी चर्चा में। पहला ये कि अखिलेश यादव ने एसटीएफ को पहले स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया था, तो अब सरेआम ठोको फोर्स बता दिया है। और दूसरा बयान ये कि जिसमें उनके पुतला दहन पर उन्होंने कहा था कि ये लोग 6 पुतले नहीं फूंक पाए, हमें कहते तो हम आधे घंटे के भीतर 600 पुतले फूंकवा देते। अखिलेश के इस बयान पर रवि किशन ने पलटवार कर दिया है। नहीं बोला, मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। यही तो जनता जान चुकी है, इसीलिए 2014 से वो मार प्रयास कर रहे हैं और जीत नहीं पा रहे। देखिए, उनके मुंह से ही सत्य निकल गया। ये उपद्रव ही सपा की पहचान है। वो लाल टोपी जो है, जो उनको माँ दुर्गा का कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो पूरे उपद्रव की निशान है, वो कलर ही जान लीजिए। एक कम्युनिस्ट, उनके पिता बहुत बड़े विचारक थे अखिलेश यादव, लेकिन ये कि 600 हम फुकवा देंगे, इस तरह की बातें। तो सियासी लड़ाई अब शब्दों पर आ चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में थे और इस दौरान उन्होंने सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था, जिसका समर्थन खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने किया था। आतंकी पन्नू के समर्थन के बाद मामले ने तूल पकड़ा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। अब उसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जिसके बाद आज कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शायद कांग्रेस को लगा कि बीजेपी उसके प्रदर्शन से बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ शब्दों के बाढ़ छोड़े, जिस पर अब संग्राम छिड़ चुका है। देश के नंबर वन टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। तो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उनका मुकाबला करते रहेंगे। पहले भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली इलहान उमर से मुलाकात, फिर खालिस्तानी आतंकी पन्नू का राहुल गांधी को समर्थन, देश की सियासत का विवादित चैप्टर है। और इस चैप्टर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विवादित बयान पर अब घमासान मच गया है। देश के दुश्मन जो बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आतंकी पन्नू का हवाला देते हुए राहुल गांधी को आतंकी बता दिया, जिस पर पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। बिट्टू के बयान का विरोध होने लगा और मामला थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया, क्योंकि बिट्टू ही नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक बयान देकर विवाद को और बढ़ा चुके हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। आज इनका असली चेहरा सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बात राहुल गांधी ने की है कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जबान काट देनी चाहिए। अब जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। राहुल गांधी आज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा। राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल होया। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है,
क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। राहुल गांधी पर बिट्टू के बयान के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस राहुल पर दिए बयान पर बीजेपी और बिट्टू से माफी की मांग कर रही है और दिल्ली से देहरादून तक और राजस्थान से तेलंगाना तक प्रदर्शन कर रही है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं हो। कि राहुल गांधी का हश्र भी, हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृहमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है। कांग्रेस ने इन सभी नेताओं पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ बयान थम नहीं रहे हैं और ना ही थम रही है सियासत जो आतंकी पन्नू के समर्थन से शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात करेंगे लेबनान में तेजर ब्लास्ट की। लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक से फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब एक घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, लेकिन इनमें आम लोग भी हताहत हुए हैं। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इसराइल पर लगाया। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये पेजर क्या होता है? इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पेजर धमाकों से दहला लेबनान। हिजबुल्ला पर बरसे मौत वाले पेजर बम, बिना बारूद दहल गई लेबनान की राजधानी। धमाके की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां खौफ में लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाका ऐसा हुआ कि हर जगह चीख पुकार मच गई, पल भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह की तलाश करते दिखे। लेबनान में सीरियल धमाकों का ये नया चैप्टर है, यानी ऐसा धमाका जिसमें बारूद कम विस्फोट ज्यादा हुआ। बेरूत में ये ऐसा धमाका था जिसके बारे में हिजबुल्ला भी कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पेजर को मोबाइल की तरह हैक करके एक साथ हजारों विस्फोट किए गए और इसे अंजाम कैसे दिया गया उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग सब्जियां खरीदने में मशगूल थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी सब्जी खरीद रहे हिजबुल्ला के लड़ाके की जेब में रखे पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो लड़ाका वहीं गिर गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। अब धमाके की एक और तस्वीर देखिए, ये बेरूत के एक दफ्तर की है। बुरके में महिला काम कर रही थी, इसी दौरान हिजबुल्ला का एक लड़ाका वहां आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। लेबनान के कई इलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि लेबनान में लगातार एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से हर जगह खौफ देखने को मिला। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्ला को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। लेबनान ने इस हमले में इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान में ये हमला पेजर को हैक करके किया गया, लेकिन सवाल ये है कि पेजर होता क्या है? क्या पेजर को मोबाइल की तरह हैक किया जा सकता है? दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में 1990 के दशक में ये काफी पॉपुलर था।
चूंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इनका सिस्टम इनक्रिप्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मौजूद डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर विस्फोटक पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजरों को हैक किया गया, फिर पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उसमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिस पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्ला ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्ला के नेता नसरुल्ला ने सेल फोन के बदले पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था ताकि इसराइल की खुफिया एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सके। पेजर के ही जरिए हिजबुल्ला के लड़ाके एक दूसरे से संपर्क साधते थे। इस बीच पेजर बनाने वाली ताइवान की कंपनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सू चिंग कुआन ने कहा है कि जिन प्रोडक्ट में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी के नहीं थे, उन प्रोडक्ट के लिए सिर्फ उनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। उधर हिजबुल्ला ने इजरायली पेजर ऑपरेशन में मारे गए अपने लड़ाकों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक बयान जारी किया है। हिजबुल्ला ने फिर से पुष्टि की है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजरायल पर हमला करना जारी रखेगा और इस हमले का करारा जवाब देगा। जबकि लेबनान ने पेजर अटैक के बाद इजरायल की सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए।